काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। जी हाँ, ये जो गाना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और रिलीज़ किया गया है। दरअसल इस गाने का जो नाम है वो बम बोले है, और जिस तरीके से अक्षय कुमार ने इस गाने के अंदर अपनी जान डाल दी है वो सच में काबिले तारीफ़ है। वही अगर बात करें इस गाने के पोस्टर की, तो पोस्टर तो भैया बहुत ही फाड़ू है। अब दोस्तों, ऐसे में अक्षय कुमार के इस गाने को लेकर काफ़ी सिंगर्स और सेलिब्रिटीज़ अलग अलग रिएक्शन भी दे रहे हैं। दोस्तों, वहीं सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म की। तो फिल्म जो है वो 9 नवंबर को रिलीज़ की जाने वाली है, तो ज़्यादा दिन अब बचा नहीं है, तो आप लोगों को जल्दी फिल्म देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं गाने की। तो इस फिल्म का ये दूसरा गाना है बम बोले, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में है। वहीं अगर बात करें पहले गाने बुर्ज खलीफा की, तो बुर्ज खलीफा को उतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, पर उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा जितना इस गाने का है। वहीं इस गाने में अक्षय कुमार ने एक अलग ही तरीके का अपना रूप दिखाया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में अक्षय कुमार जो हैं लक्ष्मी बन चुके हैं, और सच में रियल लाइफ में वो डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस गाने के अलग अलग रिएक्शंस की, तो आपको बता दें कि हाल ही में जो गुरु रंधावा हैं उन्होंने इस पे रिएक्शन दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया अकाउंट पे गुरु रंधावा ने हाल ही में इस गाने को शेयर किया और लिखा कि गुड लक सर अक्षय कुमार, यानी कि गुरु रंधावा जो हैं वो गुड लक विश कर रहे हैं अक्षय कुमार को। वहीं अक्षय कुमार ने इसके लिए उनकी तारीफ भी की, यानी कि अक्षय कुमार ने थैंक यू भी कहा गुरु को। दोस्तों, उसके बाद रिएक्शन आया है जरीन खान का। जरीन खान ने एक अलग से सोशल मीडिया पोस्ट बनाया, और सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने लिखा कि दिस इज़ हॉटनेस, यानी कि हॉट वाली इमोजी डाली, और उसके बाद उन्होंने लिखा वॉट एन एनर्जी अक्षय कुमार सर, लव लव लव। अब दोस्तों, इस तरीके से तारीफ़ की जा रही है अक्षय कुमार की, क्योंकि दोस्तों इस गाने के अंदर सच में काबिले तारीफ़ एनर्जी डाली है अक्षय कुमार सर ने। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये गाना कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वहीं रिएक्शन के बारे में आपका क्या है कहना ये भी बताइएगा। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ऑफ इन फैक्ट्स, ताकि आप लोगों को बॉलीवुड की हर खबर मिले सबसे पहले। धन्यवाद।